जयनगर कस्टम कार्यालय में लगी भीषण आग। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जयनगर का कस्टम कार्यालय जलकर हुआ खाक। अग्निशमन सेवा द्वारा घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तब तक कार्यालय भवन सहित जरूरी कागजात व अन्य सामान जलकर खाक। एक बड़ी खबर मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर से आ रही है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवस्थित भारतीय कस्टम कार्यालय जलकर पूरी तरह राख हो गया। आज सोमवार को तड़के सुबह भारतीय कस्टम कार्यालय में अचानक से भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में जयनगर का भारतीय कस्टम कार्यालय धू धू करके जलने लगा। थोड़ी ही देर में सब कुछ जलकर राख हो गया। हालांकि सूचना पर अग्निशमन विभाग के दमकल गाड़ियां भी आग बुझाने पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। कस्टम कार्यालय भवन सहित अंदर का सारा सामान भी जलकर राख हो गया, जिसमें जरूरी कागजात भी थे और अन्य महत्वपूर्ण सामानों की जलने की सही जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। आग लगने के सही कारणों की जानकारी भी नहीं है। कस्टम अधिकारी पहुंचे हैं, घटना स्थल का मुआयना किया जा रहा है। जल्द ही सारी बातें सामने आएंगी। जयनगर से संतु नायक की रिपोर्ट।